आज मेजबान हॉल में मदीना फाउंडेशन जो काफ़ी सालों से हेल्थ के लिए और डिजास्टर्स के लिए काम कर रही है और ये नहीं देखती है फाउंडेशन के कौन से कास्ट के है या कौन है, चाहे वो फ्लड्स में हो, चाहे कोविड में हो, चाहे अदर मैटर्स में हो, वो हमेशा लोगों के लिए काम करते आ रही है, इंसानियत के लिए काम कर रही है। आज उन्होंने एक मेडिकल कैंप रखा है यहाँ पे मेजबान हॉल में, काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पे। मैं इतना ही कहूँगा कि वो एक हॉस्पिटल भी स्टार्ट किया है, MS मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अशोक नगर, एट वेरी लो कॉस्ट एंड वेरी गुड ट्रीटमेंट। मैं सभी से दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपकी कोई इश्यूज है तो उन्हें कॉन्टैक्ट कीजिए, उन्हें मिलिए, आपकी हेल्प और मदद हमेशा करने के लिए तैयार रहेंगे। यहाँ पर कैंप भी आज शाम तक रहेगी, जो भी आना चाहता है, चेकअप करवाना चाहता है, चेकअप करवाइए, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो या शुगर लेवल्स हो, अपना चेकअप कराइए। अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर। मैं और एक बार मुबारकबाद देता हूँ मदीना फाउंडेशन के सभी मेंबर्स को और प्रेसिडेंट को, कि आप काम करते जाइए और हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने तो सारे गारंटी का तो आश्वासन दिया, गारंटी लागू भी हो रही है, बेलगाम वालों को सुपर स्पेशलिटी का हेल्थ का गारंटी कब मिलेगा? बेलगाम में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बिल्डिंग तो तैयार हो गई है और हमने रिक्वेस्ट किया था चीफ मिनिस्टर साहब को, जो है मैं पर्सनली जाके रिक्वेस्ट किया था उनको और हमारे मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर शरद प्रकाश पाटिल को, तो ये साल के बजट में उन्होंने 55 करोड़ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को अलॉट किया है। इसके इक्विपमेंट लेने की तैयारी में है और बहुत करके एक महीने के अंदर उसका इनॉग्रेशन भी होगा और इक्विपमेंट भी आना चालू होगा। आज इधर मदीना फाउंडेशन की ओर से हेल्थ चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, जैसे बोन डेंसिटी स्कैन है, स्पेशलाइज्ड टेस्ट है जो बोन का डेंसिटी बताता है, फ्रैक्चर्स का इंसिडेंस हो सकता है, शुगर, BP, ये सारे टेस्ट है। बेसिक इसका पर्पस ऐसा है कि आप जब कैंप करते हो तो हम लोग ऑकल्ट केसेस, यानी जो केसेस हमारे पास हॉस्पिटल में नहीं आते, ऐसे केसेस हम डिटेक्ट करके उनको जल्दी ट्रीट करते हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि किडनी फेलियर है, हार्ट अटैक है, पैरालिसिस है, ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है। ऑल्सो ये फाउंडेशन की तरफ से कैंप करने से आज हमने बहुत सारा अवेयरनेस बनाया है लोगों में कि नया नया बीमारी आ रहा है, नया बीमारी से कुछ तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, डेंगू फैल रहा है बेलगाम में, आज लेप्टोस्पायरोसिस फैल रहा है, ये सब बीमारियाँ नहीं आ रही है, वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस। सर ने जैसे अभी बोला कि लॉट ऑफ न्यू थिंग्स आर कमिंग अप इन हेल्थ, लेकिन ये जो बेसिक इन्फेक्टिव बीमारी है कोविड के बाद, इसके बारे में हमको ज़्यादा आज इंफॉर्मेशन है और ये इंफॉर्मेशन आपके माध्यम से पूरे सिटीजन्स में स्प्रेड होना चाहिए, सो दैट वी टेक प्रिकॉशंस एंड द नंबर ऑफ दिस डिसीजेज कम्स डाउन। इट्स अ वंडरफुल कैंप टुडे फ्रॉम आवर साइड एंड फ्रॉम KLE, इफ देयर इज एनी हेल्प नीडेड वी विल ऑलवेज बी देयर विद यू।
आप अच्छी तरह से जो आप सलाह देते हैं उसको फॉलो किए तो डेफिनेटली